तो हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हंड्रेड कार्स के एक और नए वीडियो में। आज मैं हूं आपके साथ पीयूष, और मैं आज आपको बताऊंगा कि कार कैसे चलाते हैं। कार चलाना बहुत ईजी है। इस वीडियो देखने के बाद मैं आप गारंटी देता हूं आप कार चलाना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो कार चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास कार होनी चाहिए। कार आपके पास बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं आपको इनोवा से बता रहा हूँ, तो आप इनोवा से ना ट्राई करें, आप छोटी कार से ट्राई करें, क्योंकि बड़ी कार में पावर ज़्यादा होती है, तो छोटी कार थोड़ी अंडर पावर होती है, तो इतना डर भी नहीं रहता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप छोटी कार से ही शुरू करें। तो कार में जाने अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको करनी है अपनी कार की सीट एडजस्ट, जहाँ आप बैठ रहे हैं। अगर आपकी कार में हाइट एडजस्ट का है तो आप हाइट भी एडजस्ट करें अपने अकॉर्डिंग। रिक्लाइन जितनी करनी है, ज़्यादा रिक्लाइन नहीं करनी है आपको, और पैर में मतलब पैर भी आपके ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए, पूरे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें पहले। और ये इसके पैडल्स रहने वाले हैं, ये क्लच पैडल है जिसे हम दबा के गियर डालेंगे, ये ब्रेक पैडल है, और इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर। और यहाँ से फ्यूल के लिए खुल जाता है, और यहाँ से बोनेट के लिए, हर कार में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और एक बार अंदर आते हैं कार में, जब मैं गेट की बात करूँ तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हर कार में होगी। कार में बैठने से पहले ही, बैठने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कार को लॉक कर लेना है, ठीक है। और अगर आपकी कार ऑटो लॉक होती है तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने अकॉर्डिंग साइड वाले मिरर सेट करने हैं, जो ये साइड वाले होते हैं, बोथ साइड के मिरर, क्योंकि ये हाईवे पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये वाला मिरर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, ठीक है। तो बैठने के बाद, कार में बैठने से पहले आप सीट सेट कर लें, साइड वाले मिरर और ये बीच वाला मिरर सेट कर लें अच्छी तरह। तो अब बात कर लेते हैं इस गियर के बारे में। तो ये है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे अपना रिव्यू, भी कैसे चलाते हैं वो कार। तो इसमें 5 गियर हैं इस कार में। तो गियर हमेशा क्लच दबा के डालना, जो ये क्लच है, ये वाला क्लच है, ये ब्रेक है, और ये एक्सेलरेटर है। तो जब भी आपने गियर डालना है, पहले पूरा क्लच प्रेस करना है, फिर गियर डालना है ऐसे। तो अभी ये न्यूट्रल में है, बिल्कुल न्यूट्रल में, देखिए बिल्कुल न्यूट्रल में ये। तो फर्स्ट गियर आपको कैसे डालना है, यहाँ पे इंडिकेशन भी दी होगी। ये अब यहाँ पे आप फर्स्ट गियर ऐसे डालेंगे एल बना के, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड। कई लोग डालेंगे थर्ड ऐसे करके, फिर ऐसे, ऐसे भी ठीक है, पर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। सेकंड में आके हमने सीधा थर्ड ऐसे डालना ऊपर को, फर्स्ट में जाएंगे तो थोड़ा उधर को जाएंगे, उधर को पुश करके डालना फर्स्ट। अगर थर्ड में जाना है तो सिंपल आपको ऐसे पुश कर देना, क्योंकि थर्ड में चले जाएगा। देन फोर्थ, फिफ्थ भी आपको, फिफ्थ में थोड़ा इधर को पुश करके डालना पड़ेगा आपको, फिफ्थ हम ऐसे नहीं डाल सकते तो वो थर्ड में चला जाएगा। तो फिफ्थ आपको फोर्थ से इधर को पुश करके ऐसे डालना है फिफ्थ। और आपकी कार में सिक्स्थ है तो सिक्स सिंपली ऐसे डल जाएगा, इसमें सिक्स्थ नहीं है। तो अगर रिवर्स में जाना है तो रिवर्स भी ऐसे डलेगा। तो कई कारों में होता है यहाँ पे ऐसे लीवर चक के ऐसे डलेगा रिवर्स, तो इस कार में सिंपली ऐसे है ये रिवर्स। बिना क्लच दबाए आपको गियर नहीं डालना, नहीं आपके अगर ख़राब भी हो सकती है, क्लच की तार टूट सकती है, जिससे आपके साथ बहुत सारा नुकसान हो सकता है कार का। तो ये रहने वाली हैंड ब्रेक, ये ऐसे इसे हम छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके आप पार्क ना करें। तो अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील आप अपने अकॉर्डिंग जरूर एडजस्ट करें, अगर आपकी कार में है एडजस्ट करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। फिर आपको क्या करना है, सीट बेल्ट जरूर लगानी है, बिना सीट बेल्ट के आपने कार नहीं चलानी अकॉर्डिंग टू रूल। और अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप कार चलाना सीखे 18 से पहले ही, क्योंकि एज़ पर रूल 18 से पहले आप एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो उस मुताबिक आप चार कार नहीं चला सकते विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। तो सेफ्टी के लिए हमने सीट बेल्ट लगा ली है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो जितने पैसेंजर बैठे हैं, अगर उतने पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट है तो वो भी लगा के जाएं, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तो अब आपको क्या करना है, कार को ऑन करना है।
स्टार्ट करने के लिए आपको दबाना है क्लच, पूरा प्रेस करके पूरा क्लच प्रेस करना है आपको, फिर आपको कार स्टार्ट करनी है। कार तभी स्टार्ट करनी है जब कार हो न्यूट्रल में। कई बार गियर में होती है तो स्टार्ट तब भी हो जाएगी, पर कई बार आप गियर अगर आप क्लच छोड़ दें तो आगे चल जाती है और बंद हो जाती है। तो हमने कार स्टार्ट कर लिया, क्लच दबा के ही कार स्टार्ट करनी है। और ये ऐसा हर कार में मीटर होगा, कई कार में ये वाला मीटर नहीं होगा, इसे हम टैकोमीटर कहते हैं। और ये स्पीडोमीटर, हर गियर की एक अपनी स्पीड होती है, जिसमें इसमें 5 गियर हैं। तो पहला गियर हम डालेंगे 1 to 20 के बीच, पहला गियर में हम 20 तक ही चलाएंगे। आप 15 पे भी डाल सकते हैं सेकंड गियर, पहले हम 15 पे डालेंगे, दूसरा हम 35 पे डालेंगे, तीसरा हम 50 प्लस डाल देंगे, 60 से नीचे डालेंगे, ऐसे ही 15 के डिफरेंस से हम गियर डालते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो हम बताते हैं पहला गियर डालना आप करना है क्या, आपको क्लच प्रेस करना है पहले पूरा, उसके बाद आपको डालना है गियर। तो हमने गियर डाल लिया, अब आपको एकदम क्लच नहीं छोड़ना, अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। आपको हैंड ब्रेक उठा लेनी है, क्लच गियर पा के आपको हैंड ब्रेक उतार देनी है। अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और आपकी कार चलने लगेगी। यहाँ से आप हल्का 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 क्लच छोड़ेंगे और यहाँ हल्की हल्की रेस पे पैर रखते रहना आपको। जैसे ही आप पूरा क्लच छोड़ देंगे वैसे ही आप हल्की हल्की रेस बढ़ाते रहे और कार मूव होने लग जाएगी। देख सकते हैं आप हमारी स्पीड 20 तक आने लगी है, तो हम सेकंड गियर शिफ्ट करेंगे। सेकंड गियर शिफ्ट करने के लिए आपको पूरा क्लच प्रेस करना है, रेस छोड़ देनी है और सेकंड गियर डाल देना है, फिर आपको क्लच छोड़ना है और रेस देने लग जानी है। एक बार हम मोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे करना है सब कुछ। तो देखिए आपको क्लच प्रेस करना है पूरा और गियर में डालनी है कार, फिर आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है। जब आपकी कार शुरू चलने लग जाएगी उसके साथ आपको थोड़ी थोड़ी रेस देने लगना है, जैसे क्लच छोड़ेंगे रेस देने लग जाना है। जब आप पूरा क्लच छोड़ देंगे एक बार फिर आपको रेस देनी है। अब जैसे स्पीड 20 तक आ गई है फिर हमने डालना है सेकेंड गियर। सेकेंड गियर आपको पूरा क्लच दबा के डालना है और रेस से पैर हटा लेना है। तो हम सेकेंड गियर में आ गए, अब सेकेंड गियर में अब देखिए आप 30 की स्पीड होने वाली है हमारी। ऐसे हम यहाँ पे थर्ड गियर डाल देंगे, थर्ड गियर भी सेम ऐसे ही डालना है आपको, क्लच दबा के पूरा और रेस से पैर उठा लेना है। अब ये तो बात होगी कि गियर कैसे डालना है, कैसे चलानी है, अब बात करते हैं ब्रेक के बारे में, आपको ब्रेक कैसे मारनी है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेक कैसे मारनी है। पहले हम कार चलाते हैं, सेकेंड में कर ले रहे हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो मान लीजिए अब रेड लाइट आ रही है, आपको क्या करना है, क्लच दबा लेना पूरा। देखिए क्लच दबा के आपको ब्रेक मारनी है, बिना क्लच दबाए आपको ब्रेक नहीं मारनी है, उससे कार आपकी बंद भी हो सकती है। क्लच दबा के ब्रेक मार देनी है आपको और गियर वैसे ही रह के न्यूट्रल में कर देना है। ये नहीं आपको पहले फर्स्ट में जाना है फिर न्यूट्रल करना है, नहीं, आप सीधा न्यूट्रल भी कर सकते हैं। सिंपली एक बार दोबारा दिखाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट गियर डाला, छोड़ दिया, ब्रेक दे रहे हैं हम, हमने ब्रेक मारनी तो क्लच प्रेस करना है पहले, फिर हमने ब्रेक मारनी है, तो ऐसे कार रुकेगी पूरी। तो आप सोच रहे होंगे फर्स्ट गियर में ही क्यों कार उठा सकते हैं, सेकंड में क्यों नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट में ही कार उठाएं या चलाएं, क्योंकि अगर आप सेकंड में उठाएंगे या चलाएंगे उससे इंजन पे जोर पड़ सकता है, तो आपकी कार बंद भी हो सकती है। और कईयों की कार फर्स्ट गियर में भी बंद हो सकती है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो कोई जो नवे नवे कार चलाते हैं उन्हें बहुत घबराहट होती है, अभी क्या हौली हौली क्लच छोड़ेंगे, वो एकदम छूट जाता है क्लच, तो कई बार कार बंद हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सिंपली गियर में डालनी है कार और हल्का हल्का जैसे आप क्लच छोड़ रहे हैं यहाँ रेस पे पैर रखना है और हल्की हल्की रेस देते रहना है, एकदम रेस भी नहीं देनी, जिससे आपका एकदम ज़्यादा पिकअप ले लेगी, कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर आप हाईवे पर कार चला रहे हैं तो आपको एकदम ब्रेक नहीं मारनी, आपको साइड मिरर में देख के मारनी है, ब्रेक भी पीछे कोई है नहीं, और कभी आपको एकदम ब्रेक नहीं मारनी जैसे ऐसे, ये इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको हल्की हल्की ब्रेक मारनी है, बिल्कुल हल्की हल्की। और आप सेंटर लाइन में जा रहे हैं, आपको फर्स्ट लाइन में जाना, आप इंडिकेटर दें फिर आपको जाएं फर्स्ट लाइन में।
तो कार चलाना वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद कार चलाना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो ब्रेक की बात तो हमने कर ली है, तो ये इस साइड आपको मिल जाते हैं पूरे लाइट के कंट्रोल, ये पूरे लाइट के कंट्रोल है, ये यहाँ से आपकी लाइट ऑन होगी। तो आपको हमेशा लो बीम पे ही कार ड्राइव करनी है, हाई बीम पे आपको कार नहीं ड्राइव करनी। हाई बीम पे कई बार आपका चलान भी कट सकता है, क्योंकि हाई बीम पे क्या होता है, जो सामने वाली कार आ रही है जो या कार जा रही है उस पर उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा लो बीम पे ड्राइव करनी है। अगर आपको लाइन चेंज भी करनी है, आप हमेशा इंडिकेटर दे के ही लाइन चेंज करें। तो जब मैं हाई बीम की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको सिंगल रोड के लिए बताया है, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने वाली कार को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नॉर्मल रोड्स पे आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, वाइपर चलाना बहुत ईजी है। सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपको वन वॉश चाहिए, सिंपली आपको करना है ऐसे ऊपर को, तो आपका पूरा स्वाइप हो जाएगा। अगर आपको पानी से साफ करनी है, आपको अपनी तरफ इसको पुश करना है, तो आपका पूरा साफ हो जाएगा, पूरा शैम्पू वगैरह से, पानी से शीशा पूरा। और अगर आप बारिश में हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको हर कार में होगा, इसको वन हेड कर देना है, नहीं ये नीचे कर देना, वो पीछे वाला चल गया था। तो ये स्पीड पे आपको करना है नीचे, अगर आपकी ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको और नीचे करना है, अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आपको और नीचे कर देना है, तो मैक्स स्पीड पे चलेगा। तो ये होगा वाइपर्स का, तो ये होगा लाइट्स का पूरा। तो ये बात होगी कंट्रोल्स की। तो ये जो हैज़र्ड बटन होते हैं, जिसमें हम कहते हैं चारों इंडिकेटर इकट्ठे चलते हैं, ये कब यूज़ करना है, अगर आप कार साइड पे खड़े हैं रोड पे पार्किंग में, या आपकी कार कहीं ख़राब हो गया रोड पे, अब तो ये मस्ट आपको यूज़ करना। तो ये तो ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, हैंड ब्रेक आपको कब यूज़ करनी है, जैसे आपकी कार नॉर्मली खड़ी है विदाउट हैंड ब्रेक आपको कार नहीं पार्क करनी है। और हज़ार्ड बटन फॉग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, कई बार कार दिखती नहीं है, तो अगर आप हज़ार्ड लाइट जला के जा रहे हैं तो आपको कार दिख जाएगी, पीछे वाले को भी अपनी कार दिख जाएगी। फॉगी वेदर में तो यूज़ करना ही, अगर आप रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। और हैंड ब्रेक वैसे मैंने कहा, आप खड़ी कार में भी हैंड ब्रेक लगा के ही इसे पार्क करें, और कभी भी आपको ऐसे नहीं कार पार्क कर दी तो गियर में पार्क कर दे, वो चीज़ गलत है। जो लोग गियर में पार्क करते हैं, अगर कोई अननोन पर्सन जिसे कार इतनी चलानी आती है, वो सीधा स्टार्ट कर देगा तो कार आपकी आगे चली जाएगी। तो आपको कभी भी कार गियर में नहीं खड़ानी, हैंड ब्रेक के साथ ही खड़ानी है। और अगर मैं हीली एरिया की बात करूं, विदाउट हैंड ब्रेक आप कार खड़ा ही नहीं सकते, नहीं आपकी कार पीछे चली जाएगी। तो हैंड ब्रेक बहुत ही ज़्यादा मस्त है, अगर आप कहीं भी कार खड़ा रहे हैं। तो ये होगी पूरी वीडियो, तो एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ भी एकदम ब्रेक मारने से क्या होगा, या स्लो स्लो ब्रेक मारने से क्या होता है। तो देखिए बाहर का पूरा व्यू। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भी कैसे भी अगर एकदम ब्रेक मार देंगे तो पीछे वाली जो कार आ रही है कैसे आपको एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए तो एकदम कार रुक गई, अब आपको दिखाता हूँ भी अगर आप आराम से ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, आपको भी इजी रहेगा और पीछे वाले कार को भी इजी रहेगा। जैसे आप कार चल रही है स्लो स्लो, आप हल्की हल्की ब्रेकिंग लेंगे तो प्यार से कार चलेगी और प्यार से रुकेगी। फास्ट वाला जो एकदम ब्रेक मार देते हैं, वो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप एकदम ब्रेक मारेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए कार काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही है, तो देखिए कितनी जल्दी कार रुक गई। ये आपको अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आगे कुछ आ गया, आप तभी आप ये ब्रेक मारें, पीछे वो भी पीछे पीछे मिरर में देख के, साइड वाले मिरर में देख के, या कोई कार तो नहीं आ रही, तभी आप ये ब्रेक मारें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी मतलब पता होनी चाहिए इंजन के बारे में। तो एक बार बोनट खोल लेते हैं पूरा, तो ये हर का इंजन होता है अलग अलग, तो ऐसे ही इनोवा का इंजन है। तो ये जो वॉशर है, ये आपका वो है जो वाइपर्स के लिए होता है, जो ये वाइपर्स के लिए है। इसमें आपको चेक करना चाहिए कार चलाने से पहले भी पानी है कि नहीं, कई बार ज़्यादा मिट्टी होती है, कई बार विजिबिलिटी ज़ीरो होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पानी। और ये है कार का कूलेंट, ये भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कार में कूलेंट है कि नहीं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं फुल है ऑलमोस्ट। अगर ये ना हुआ कार में तो आपकी कार कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और हाँ हीट हो सकती है। आपको अंदर हीट मीटर भी दिखा दूंगा, और ये पूरा इसका इंजन है,
तो जो ये चीज है ये ऑयल चेक करने के लिए होता है, ये एक लेवल लगाता है उस पर पता लग जाता है कितना ऑयल है मार्क से। अगर नीचे है तो कम है इंजन ऑयल, उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो ये बैटरी होती है पूरी कार की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मीटर है उसका आपको कितना ध्यान रखना चाहिए कार चलाने से पहले। तो कार में अंदर आने से पहले आपको ये मीटर जरूर चेक करनी है हीट वाला। जैसे मैं ये जो ये वाला मीटर है ये हीट वाला मीटर है, ये अगर सेंटर लेवल से इधर हुआ तो आपकी कार मतलब हीट में है। तो आपको करना क्या है सिचुएशन में, आपको कार रोक लेनी है साइड पे, अपने सबसे पहले कूलेंट चेक करना है। तो उस सिचुएशन में सबसे अपने पहले आपको कूलेंट चेक करना है और आपको कॉल करना है कंपनी में इसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और फ्यूल के रिगार्डिंग भी आपको पता ही है, विदाउट फ्यूल आप कार नहीं ड्राइव कर सकते। और अगर आप कार चलाने से पहले कोई वार्निंग आ रही है तो आप उसे ज़रूर चेक करें। कई बार वो वार्निंग छोटी होती है, आगे आके बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है। और कभी भी आपको विदाउट क्लच दबाए गियर नहीं डालना, जैसे आप बाइक में डाल देते कई बार विदाउट क्लच दबाए उसमें चल जाएगा, पर इसमें अगर आपने डाल दिया तो आपके क्लच की तार टूट जाएगी और बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो आपको हमेशा क्लच दबा के ही गियर डालना है। और देखिए जैसे मैंने अब सीट अपने अकॉर्डिंग सेट करी हुई है तो ये पोजीशन है पूरी, पूरा लेग ऐसे सही जा रहा है पोजीशन में, कोई तकलीफ नहीं हो रही। अगर आप बिल्कुल आगे कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक मिनट, तो देख ले मैंने पूरी आगे कर ली है। अब इस सिचुएशन में कई लोग क्या करते हैं, अभी बहुत सही कंफर्टेबल है पर ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये अब मैंने पूरा क्लच दबा लिया और ये पैर यहाँ टच हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तंग फील कर रहा है बंदा। तो अपने अकॉर्डिंग हमेशा सीट सेट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अगर आप हिली एरिया में रहते हैं, अगर वहाँ कार सीख रहे हैं तो छोटी कारों में बहुत ज़्यादा इशू रहता है, एसी ऑन करके कार नहीं चढ़ती। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो हिली एरिया में रहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, एसी बंद करके ही कार चलाएं हिली एरिया में। तो ये थी आज की पूरी कार ड्राइविंग की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।